हेलो बच्चों, की हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे क्या, अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या करंट कैरिंग लूप। ठीक, देखो करंट कैरिंग लूप जो है वो हम मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए ये है आपके पास एक करंट कैरिंग लूप ऐसे। चलो सुंदर सी नहीं बनी, ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप। इसमें करंट हम ऐसे मानते हैं तो इसमें करंट ऐसे आएगा। ठीक, ऐसे लूप है, ये वाली लूप है, देखो ये वाली लूप है ऐसे। ठीक है, अब यहां से इसके सेंटर से एक पॉइंट है, ऐसा मानते हैं एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इसकी रेडियस कितनी है आर है। ठीक, और ये डिस्टेंस यदि मैं निकालूंगा तो कैसे लिखेंगे, ये आर है, ये एक्स है, ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो पाइथागोरस से ये आर, इसको मैं आर एज्यूम कर ले रहा हूं, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक, अच्छा अब यहां पर मैं एलिमेंट मानूंगा तो देखो इसके कारण अपने को इस लूप के कारण, ऐसा तो नहीं कि एकदम से पूरी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं, क्योंकि मेरे को तो वो पता ही नहीं है ना। मेरे को क्या पता है, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, इसमें जो टी है ना वो साइलेंट होता है, बायो नहीं पढ़ते इसको, क्या पढ़ते हैं, बायो सावर्ट लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी एक करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर dl sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसको मैं यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। चलो सीधा लिख देता हूं मैं, आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब और dl क्रॉस आर। ये जो थीटा एंगल है ना वो dl और r वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया विद डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हमने क्या पढ़े थे, राइट हैंड पाम रूल पढ़ा था, क्रॉस वाला भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी इसकी चर्चा भी कर ले। मान लो ये dl और r वेक्टर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इस डीएल और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये जो डीबी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा डीएल वेक्टर के, एंड डीबी परपेंडिकुलर होगा आपका किसके, आर वेक्टर के, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो आपका डीबी है वो डीएल के परपेंडिकुलर होगा और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें, ये जो थीटा है वो तो मैंने बता दिया डीएल और आर वेक्टर के बीच में एंगल है। अब हमको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला पता है वो एक एलिमेंट के लिए पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट यहां कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो एलिमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है, करंट एलिमेंट जिसको हम बोलते थे। तो यहां पर मैं एलिमेंट कंसीडर करूंगा डीएल लेंथ का, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये हो गया डीएल वेक्टर। ठीक है, और यहां पर यदि एक एलिमेंट और कंसीडर करता हूं तो मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अब इसको आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये है आपका आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड, ये है आपका इनवर्ड और ये है आउटवर्ड। ठीक, अब इसको कैसे देखोगे, देखो ये आपकी एक लूप है, ये लूप है ऐसे, तो नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे और ऊपर वाला जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे। ये आपके पास एक लूप है, देखो ऐसे फील करो, ये एक लूप है। ठीक है, तो जो अंदर वाला पॉइंट है वो इधर की तरफ है, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे है और नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब इस डीएल वेक्टर के कारण मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूं। ठीक है, तो कैसे आएगा, देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ये आएगा सीधू बन जा रहे, ये बन गए है ना। अब इसके कारण देखो पॉइंट अंदर की तरफ है, ये इनवर्ड है ना, तो अंदर की तरफ पॉइंट किया। ठीक, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, इनवर्ड है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे, पॉइंट की तरफ फिंगर को फैलाओ, ये ऐसे होगी, पान किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी आपकी, ऐसे आएगी। ये जो डीबी वेक्टर है वो आपका इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अभी इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो पता चल गया, तो मैग्नीट्यूड भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके कारण देखोगे तो ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब ये ऐसे है, ये बाहर की तरफ ऐसे है, पॉइंट आपका इधर है, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, पाम की तरफ जाएगी ऐसे, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी ऐसे। ठीक, ये डायरेक्शन होगी, अच्छा डायरेक्शन हमने देख लिया। अब हमको क्या करना है,
देखो यहां से इस पॉइंट को भी कनेक्ट करना है, इसे ई हो गया। यदि ये एंगल मैं थीटा मानता हूं तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? सिमेट्री है ना, देखो ये आर है तो ये भी आर होगा, ये एक्स है तो ये भी है, इसके लिए कॉमन हो जाएगी। अब हमको ये पता है कि ये जो डीबी है ना वो इस आर के ये जो डीबी है वो इस आर के परपेंडिकुलर है। तो क्या मेरे को ये पता चल गया कि ये जो एंगल है यहां से यहां तक का, ये जो एंगल है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, तो ये 2 थीटा, ये पूरा एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो गया भाई 90 माइनस 2 थीटा। ठीक, अच्छा एक मैं परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लेता हूं इसे, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता चल गया कि ये पूरा एंगल जो है, देखो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं एक्स। अब मेरे को पता है कि ये पूरा 90 है तो क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। इस 90 से इस 90 को मारो, ठीक, इस थीटा से एक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू कितना थीटा। तो इस एक्स की वैल्यू कितनी है, थीटा है, तो एक्स की वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू सिमेट्री से थीटा आएगी। ठीक, अब हमको क्या करना है इसके बाद में, देखो इसको मैं मिटा दूं अभी, इसका कोई काम नहीं है। ये जो डीबी है वो किसके कारण है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण, इस छोटे से इतू से एलिमेंट के कारण नेगेटिव फील्ड है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं लैंग्वेज में थोड़ा सा, डीबी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएल एलिमेंट, या करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, डीएल करंट एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसको डायग्राम को मैं यहां बना दूं सुंदर सा, नहीं तो कचरा हो जाएगा, तुम बीनते रहना फिर उसमें से। ठीक है, ये ऐसे है, ठीक, ये एक वेक्टर ऐसे था डीबी, ये एक ऐसे था डीबी, ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल आपका थीटा। तो अब देखो इस डीबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डीबी कॉस थीटा, कौन से डीबी का, इसका, ऐसी इस डीबी का इधर आएगा डीबी कॉस थीटा, इस डीबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डीबी साइन थीटा, इस डीबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डीबी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो तो ये डीबी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड बचा है ना आपके पास वो कितना है, डीबी साइन थीटा ऊपर वाले का और ये डीबी साइन थीटा नीचे वाले का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, डीपी इज इक्वल टू डीबी। क्या डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे, बोलो? नहीं, डीबी का इंटीग्रेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस डीबी के अंदर तो कॉस थीटा भी तो है, डीबी कॉस थीटा ए वाला कंपोनेंट भी है और डीबी साइन थीटा भी कंपोनेंट है, और हमको यहां पता है कि डीबी कॉस थीटा तो निपट गया, अरे भाई वो तो कैंसिल आउट हो गया ना इस डीबी कॉस थीटा से। ठीक है, है ना, तो हमको क्या करना है, डीबी साइन थीटा लिखना है, डीबी साइन थीटा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर यहां डीबी साइन थीटा है, यहां डीबी साइन थीटा, टू डीबी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? अब टू डीबी साइन थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा, देखो कि जैसे मान लो मैंने यहां एक एलिमेंट माना, ये वाला यहां एक एलिमेंट माना डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पर, ऐसे में यहां एक एलिमेंट मानूंगा, ठीक, तो एक एलिमेंट यहां होगा, इसके कॉस थीटा कंपोनेंट से इसका कॉस थीटा कंपोनेंट कैंसिल होगा, इसके कॉस थीटा से इसका कॉस थीटा और इसके कॉस थीटा से इसके कॉस थीटा। ठीक, अब यदि आप यहां पर 2dB sin थीटा लिखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हाफ लूप का, ठीक, क्योंकि यहां 2dB sin थीटा लिया तो आपने इसके साथ तो ये वैसे ही आ गया ना फ्री में, भाई इसके साथ तो ये साथ ही चल रहा है ना जब यहां 2dB sin थीटा लिया है, तो आपको यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, कब, जब यहां 2dB sin थीटा लोगे। ठीक है, अच्छा डीबी का मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा था, जो डीबी है वो कितना है, देखो म्यू नॉट आई डीएल साइन 90, मैं अभी बता रहा हूं ये 90 क्यों लिखा है, अपॉन 4πr2। देखो ये 90 इसलिए लिखा है कि मान लो आपके पास ये रिंग है, ठीक, ये इसका सेंटर है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये, और पॉइंट आपका यहां पर। ठीक, अब आप देखोगे तो ये जो एंगल, ये वैल्यू आपकी आर है, ये वैल्यू आर है। अब आप देखो तो इस आर का, ये आर वेक्टर ये है रेड वाला जो है, आर वेक्टर का इस वेक्टर के साथ एंगल जो है वो 90 डिग्री आएगा,
कहीं भी देखो आप, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, सब जगह पे कितना आएगा 90 डिग्री, तो यहां मैंने इसलिए 90 लिख दिया। तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, और ये जो थीटा है, इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां साइन थीटा है देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, आर है, हाइपोटेनस कितना स्मॉल आर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो आर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो रखो यहां डीबी की वैल्यू रखो, है ना, यहां पर डीबी की वैल्यू रखते हैं। देखो ये लिखेंगे डीबी, डीबी कितना है भाई, ये रहा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। साइन थीटा की पर ये वैल्यू रख दो, आर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, चलो अभी स्मॉल आर ही लिख लेते हैं ना, बाद में पुट कर लें क्योंकि इस आर की भी जरूरत है, पहले पुट करनी है। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन। अब इसमें देखो ये आर जो है वो कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो ये मैंने अभी बनाया था, ये आपका सेंटर और यहां पर आपका ये पॉइंट था, तो ये वाली जो डिस्टेंस है देखो ये परपेंडिकुलर वही है, यहां से सब जगह से देखो आप, सब जगह से इस आर की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब और इंटीग्रेशन के अंदर डीएल। इस आर क्यूब को आर स्क्वायर और आर कितना होगा, आर क्यूब हो गया, और इस आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने बाहर निकाला है। कॉन्स्टेंट अभी मैंने बताया था किस लिए था, कि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये इसका रेडियस है, तो रेडियस तो सेम है, परपेंडिकुलर ये सेम है, तो यहां से देखो तब भी आर, यहां से देखो तब भी आर, इधर से देखोगे तब भी आर ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस डीएल का इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, इस डीएल का, तो देखो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इस डीएल का, डीएल का मतलब इस पे जो छोटे छोटे एलिमेंट हमने माने हैं वो किसके, उनका सबका सम किसके बराबर होना चाहिए, जो छोटे छोटे एलिमेंट हमने माने हैं उन सबका सम किसके बराबर होना चाहिए, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर। तो देखो इस पाई से पाई को मारो, इस 2 से इस 2 को मारो, दो बार कितना हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो गया, ऊपर आर इंटू आर आर स्क्वायर हो गया, नीचे कितना है 2। इस आर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, तो इसको क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ये किसका मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर एक बात और आती है, यहां पर एक बात और आती है, और वो बात ये है कि बहुत से बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज किस लिए, कि जैसे मैंने बोला कि अभी हमने जो डायरेक्शन देखी थी, डायरेक्शन देखी थी मैग्नेटिक फील्ड की, वो ऐसा था कि ये आपके पास लूप थी, ठीक, करंट इसमें ऐसे चल रहा था, तो इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया था ऐसे ही आया था ना आपके पास, ये डीबी डीबी आया था, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया था डीबी। ठीक, तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो आपकी कितनी है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो होता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर। यदि मैं इस तरफ पॉइंट लेता हूं, इस तरफ पॉइंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर आएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, और वो कितना होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे भाई डिस्टेंस सेम रहेगी तभी तो, ये सेम रहेगा डिस्टेंस के साथ साथ तो चेंज रहेगा। जैसे मान लो यहां से ये डिस्टेंस कितनी एक्स है, यहां से डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो यहां से भी ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्स होगी। अब आप ये वाली डायरेक्शन आप देखना खुद, है ना, खुद से निकाल के देखना। मैंने बता दिया कि दोनों तरफ एक्जियल पॉइंट पर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दोनों पॉइंट पर एक्जियल डायरेक्शन में सेम क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब आप ये निकालना, चाहो तो यहां लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस सेम डायरेक्शन
सेम डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आइदर साइड ऑफ रिंग या कॉइल लिख लें, रिंग लिख लें या कॉइल लिख लें, कोई बात नहीं, दोनों तरफ जो है एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, एक्सिस के अलोंग जो है वो डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी, सेम होगी। इसके बाद जो है देखो, अब ये तो हो गया इस वाले केस में। अब मैं मान लेता हूं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, मैं मान लेता हूं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे थी ना, ऐसे है ना, तो अब मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, तो इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी और इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, ये क्या है आर है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पावर 3/2, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम एक चीज बात करते हैं, देखो क्या हमको ये पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। यदि इस b और x के बीच में मैं ग्राफ बनाता हूं, b और x के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ ऐसा है, देखो ठीक, ये ग्राफ ऐसा आएगा, यहां पर है आपका b और यहां पर है आपका x। अब आप एक चीज देखो, इस वाले पॉइंट पर यदि मैं देखता हूं इस वाले केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नेगेटिव x एक्सिस में है, है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसके नीचे बना दो, नेगेटिव है तो इसके नीचे बना दो, और इस वाले में देखोगे तो ये ऐसे चल रहा है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में है तो इसकी ऊपर बना दो। ग्राफ आपका या तो बनेगा ऐसे या फिर बनेगा आपका ग्राफ ऐसे, या तो बनेगा ये ऐसे, ये तो इस वाले केस में है और ये इस वाले केस में, या तो बनेगा आपका नीचे या बनेगा ऊपर, कभी ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ आपका बन गया ऐसा, देखो कैसा बन गया, यहां ग्राफ ऐसा बन गया, यहां ग्राफ ऐसा बन गया, ऐसा नहीं बनेगा, या तो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के ऊपर और या ग्राफ होगा पूरा एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझो, यदि मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, बी एट सेंटर, बी एट सेंटर की यदि मैं बात करता हूं तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, सेंटर पर यदि बात करें तो एक्स की जगह पर क्या पुट कर दो, जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन यहां क्या रखोगे टू एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, देखो इस टू से टू ने पट गया, कितना हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r³, आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। दूसरा ये मानते हैं कि यदि x की वैल्यू इनफाइनाइट है, इफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू यहां इनफाइनाइट रखो तो इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो इनफाइनाइट, ठीक, ये पूरी टर्म कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, 1/इनफाइनाइट कितना होगा जीरो, तो b जो होगा वो कितना हो जाएगा जीरो होगा, तो जीरो का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट पे जाके इस x एक्सिस को टच करेगी, ऐसे इनफाइनाइट पे जाके x एक्सिस को टच करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 5√5 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। इसका मतलब इसने ये बोला है देखो कि ये आपकी कॉइल है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर ये कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² + r² की पावर 3/2, ठीक है, ये है। और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी सेंटर, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इसने बोला है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका 5√5 टाइम्स इसके बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये बी पी लिख दें, ठीक है, तो इसको 5√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बराबर होगा, तो ऐसा लिख दूं, इसको देखो 5√5 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² + r² की पावर
थ्री बाई टू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। ठीक है, देखो म्यू नॉट आई कैंसिल आउट, इस टू से टू कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आर यहां यहां पर कितना है आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फाइव रूट फाइव आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 125, ठीक 125 आर की पावर सिक्स की पावर वन बाई टू। देखो सुनो 125 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा फाइव रूट फाइव आएगा, ठीक, और आर की पावर सिक्स सिक्स बाई टू करोगे तो कितना होगा आर की पावर थ्री, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू में आपके पास क्या है ये है, इज इक्वल टू में ये है तो क्या लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, है ना। अब आप देखोगे तो देखो इस पावर वन बाई टू दोनों तरफ स्क्वायर कर लो कैंसिल आउट हो जाएगी, और मैं क्या लिख सकता हूं इस पावर को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या लिख सकते हैं 125 आर की पावर सिक्स की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 125 का क्यूब रूट कितना होगा फाइव, आर की पावर सिक्स में थ्री का डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा कितना फाइव आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसने आर की वैल्यू दे रखी है, चलो ऐसा कर लें एक्स की वैल्यू निकाल लें यहां से, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू आर, है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको। यहां से आप सब सॉल्व करोगे इसको तो ये देखो फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, तो सॉरी फाइव, ठीक, तो ये हो गया फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू टू आर, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया भाई टू आर, और एक्स इज इक्वल टू टू इंटू आर कितना टेन सेंटीमीटर, तो कितना हो गया एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे।